वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे बात सर। कोई जॉब नहीं आ पाएगा क्योंकि मेरी जो चैनल है उसको मुझे बैक टू बैक वीडियो अपलोड करते थे। उस चैनल पर मैं कभी वीडियो अपलोड कर पाई और अभी आप देख रहे हैं मैंने नया घर है तो अभी अभी मैंने जस्ट ये सिंपल मेकअप जो है सिंपल मेकअप जो है ये किया है। वीडियो में अगर आपके साथ शेयर करूँगी चलिए देखते हैं कि मैंने अपना ये कैसे किया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर यूजफुल लगा हो तो शेयर कीजिएगा और पहली बार ड्राई मॉल में मेरे अलग अलग जो है स्किन ड्राई है तो आज मैंने ड्राई मॉल जो मेरे पास है मास्क का है ब्लू हेवन का है लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ ये समर चल रहा है तो मैंने सिर्फ ये एलोवेरा जेल एज ए प्राइमर लगाया है। इसको मैंने अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है और इसको मैं 2 मिनट तक ऐसे ही अपने फेस पर छोड़ दूँगी ताकि जो एलोवेरा जेल है वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। अब मैं यहाँ मेरा मैट लुक का फाउंडेशन ले रही हूँ जिसमें प्राइमर इंक्लूडेड है और ये बहुत ही लाइट वेट फाउंडेशन है जो समर में बहुत ही अच्छा रहता है स्किन पर, आपकी ड्राई स्किन है ऑयली स्किन कॉम्बिनेशन कोई भी स्किन हो। और अभी हम नेचुरल मेकअप कर रहे हैं तो इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है, एकदम फ्लॉलेस मेकअप हो जाता है आपका। तो मैं पूरे फेस पर इस तरह डॉट 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 कर रही हूँ और फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से फाउंडेशन को मेरे फेस पर ब्लेंड कर दूँगी। फिर मैं यहाँ मेरा मैट लुक का जो कंसीलर है वो ले रही हूँ। ये 2-in-1 है, नीचे हाइलाइटर है और ये ऊपर कंसीलर है। मैं फाउंडेशन के बाद ही इसे लगा रही हूँ क्योंकि एवरीडे मेकअप है तो कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है, सिंपल नेचुरल मेकअप है तो ये मैंने एकदम लाइट कलर दिया है, सॉरी थोड़ा डार्क कलर दिया है। वैसे मैं इससे थोड़ा लाइट लेती हूँ हमेशा। तो अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ये ब्रश की हेल्प से मैं ब्लेंड कर लूँगी। ब्रश मैंने नया लिया है, ये स्पेशल कॉन्टूरिंग ब्रश है तो इससे मैं अपने फेस पर ये कंटूरिंग और कंसीलर दोनों जो है जो मैं अप्लाई कर रही हूँ। 2-in-1 है ये। मेरा मास्क का जो लूज पाउडर है वो मैं लगा रही हूँ सेम ब्रश से ताकि जो कॉन्टूरिंग है फाउंडेशन है वो सेट हो जाए अच्छे से। आप चाहे तो जो लूज पाउडर का जो ब्रश है उससे भी कर सकते हैं, मैं दोनों से आपको बता रही हूँ। तो मैं यहाँ क्लेमे की आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ जिससे मैं आईब्रो फिल कर दूँगी। शेड है मेरा 02, कलर है ब्राउन और अब मैं दोनों साइड से मैं आईब्रो फिल कर रही हूँ। यहाँ मेरा ग्लैम 21 का आईशैडो पैलेट है, उसमें से मैं पहले जो ये नेचुरल शेड है एकदम से जो लाइट ब्राउन कलर है वो मैं ले रही हूँ और अपनी आईलिड पर इसको लगा रही हूँ दोनों तरफ से और उसके बाद
लाइट ऑरेंज शेड है जो मेरे कुर्ते में है यहाँ, उससे मैच खाता हुआ जो लाइट ऑरेंज कलर का शेड है वो मैं अपनी क्रीज एरिया पर मैं लगा दूंगी। तो इस तरह मैं अपनी दोनों आंखों पर मैं आई शेड अप्लाई कर लूँगी। ये नेचुरल लुक है तो मैंने एकदम सटल से कलर लिए हैं। अब मैंने वही जो पहले शेड लिया था लाइट कलर का वो मैं अपने अंडर आई पे लगा रही हूँ और थोड़ा सा वो ऑरेंज शेड भी, ताकि ऊपर और नीचे जो आई है वो एक सी दिखे। इसके बाद मैं एलईडी की काजल लगा रही हूँ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैं लगा लूँगी। फिर यहाँ मैं मास्क की मेरी आईलाइनर ले रही हूँ, उससे मैं अपनी आंखों पर आईलाइनर लगा दूंगी। ये नेचुरल सिंपल नेचुरल मेकअप है तो ज़्यादा कुछ नहीं है, विंग आईलाइनर भी नहीं करूँगी मैं। लास्ट में मैं यहाँ जो NY का जो मेरे पास कॉम्पैक्ट पाउडर है 5 in 1, उसमें से मैं ये शेड ले रही हूँ और फ्लफी ब्रश की हेल्प से इसको मेरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर दूँगी, इंक्लूडिंग नेक एरिया। ये लाइट पिंक कलर से थोड़ा सा डार्क है, बस वो शेड है इसका, 5 in 1 है ये कॉम्पैक्ट पाउडर और बजट में भी आ जाता है। उसके बाद मैं यहाँ मेरी मेकअप लुक की जो मैं मस्करा है वो मैं लगा रही हूँ और ऊपर और नीचे दोनों साइड से। ये क्विक ड्राई मस्करा है तो आसानी से ड्राई भी हो जाती है। यहाँ मैं फॉल्स लैशेस वगैरह कुछ भी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये नेचुरल मेकअप है, रूटीन मेकअप, एवरीडे मेकअप, तो एवरीडे में हम कोई रोज़ तो लैशेस नहीं लगाते हैं तो इसलिए मैं यहाँ नहीं लगा रही हूँ। लास्ट में मैं अपनी लिप्स पर लिप बाम लगा रही हूँ चेरी का और उसके बाद मैं यहाँ मेरी जो हाफ एंड हाफ की लिपस्टिक है बरगंडी शेड वाली वो मैं लगा रही हूँ जो लाइट पिंक कलर जैसा है। ये नेचुरल मेकअप लुक है तो ज़्यादा डार्क कलर मैं नहीं ले रही हूँ, आप चाहे तो अपने हिसाब से और कोई भी लिपस्टिक का शेड लगवा सकते हैं। और मैं लास्ट में यहाँ बिंदी लगा कर अपने बालों को मैं, और मैंने ये इयरिंग्स पहनी है ऑक्सीडाइज की, सिंपल मेकअप लुक और मैंने बालों को खोल दिया है तो ये है फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।